So, I'm gonna go to hairstyle well, I'm gonna show you how I like to wash my hair and blow dry it because they play a very important role in making my hairstyle look good. So I'll be using shampoo to wash my hair. For that, I'll be using Buds and Berries pistachio and Argan Oil Shampoo. I'll be taking around four pumps of this on my palm, going to emulsify this and going to apply this all over my scalp, and I will start cleansing my hair. So, Buds and Berries is a fairly new brand in the market. Muchenki products are products. They're of good quality, very affordable. This is also a toxin free dermatologically tested and IRFA certified brand. So I'll it's been almost 11 months, and I've been only using and investing on shampoos that are meant for color-treated damage and brittle hair. And this shampoo is meant for color-treated hair. It contains pistachio nuts, which helps to reduce hair breakage, argan oil that helps to recover the colored damage and chemically treated hair. It helps to deeply cleanse the scalp. It removes all the buildup and gunk without drying out my hair. Also, the shampoo is a two-in-one product. You can avoid using conditioner whenever you're using this shampoo because this is gonna help to condition the length of your hair. ऑल्सो योर स्कैल सो बालों को धोने के बाद आई एम गुन एस माई कॉटन टी शर्ट टू रेप अराउंड माई हेयर कभी के बाद मैं टी शर्ट यूज करती हूँ कभी कबार मैं माइक्रोफाइबर टाल यूज करना पसंद करती हूँ आज मैं टी शर्ट यूज कर रही हूँ

मेरे ब्लो ड्राई में कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं है इट जस्ट हैव अ मीडियम एंड फुल ब्लास्ट हीट सेटिंग मैंने फुल ब्लास्ट में अपने बालों को ब्लो ड्राई किया है आई डोंट ऑलवेज ब्लो ड्राई मा हेर वे वॉशिंग माई हेयर बट अगर मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ और मुझे बाहर कहीं जाना है उस दिन बाल भी धोआया तो आई लाइक टू लाइक ब्लो ड्राई माई हेयर एंड दिस इज हाउ आई लाइक टू डू दिस सो आई लाइक टू ब्लो ड्राई इन वन डायरेक्शन फॉर लाइक फाइव मिनट्स एंड देन आई विल स्विच द डायरेक्शन उसके बाद मैं अपने बालों को फ्लिप करके एक बार और ब्लो ड्राई करना पसंद करती हूँ ताकि पीछे पीछे के बाल भी अच्छे से ब्लो ड्राई हो जाए पूरे बालों को ब्लो

हेयरस्टाइल आप क्रिएट करते हो ना काफी कुछ हेयर के रूटीन पे डिपेंड करता है तो इतना कुछ जो मैंने किया है ना ये अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करने में हमें मदद करेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी क्रिएटिंग अ मिडिल पार्टीशन एंड देन विदाउट यूजिंग एनी ब्रश और कोम आई बी क्रिएटिंग दी हेयर स्टाइल विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स सो मेंटेनिंग द मिडिल पार्टीशन ऑफ माई हेयर आई विल बी पुलिंग बैक ऑल ऑफ माई हेयर आई एम कीपिंग माई हेयर वेरी स्लीक उसके बाद आई टाइम हेयर यूजिंग अ ब्लैक रबर बैंड आप लोग देख सकते हो कि मैंने तीन नॉट क्रिएट किया और तीन में ही मेरे बाल एकदम टाइट हो जाते हैं यहाँ पे मैं टिप देना चाहूंगी यूज हेयर और हेट जो की बहुत अच्छी क्वालिटी का है उसके बाद हम फ्रेम माई फेस आई लव टू फ्रेम माई फेस आई फी लाइक इट जस्ट रिंग दर लुक टुगेदर सो सामने सामने जहां भी बेबी हेयर मुझे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े बाले से निकालूंगी आई बी स्टाइलिंग इट लेटर ऑन आफ्टर कम्पलीटिंग माइ एंटर मेकअप लुक सो ये लुक के पास मुझे काफी बेबी हेयर है तो आई विल बी सिक्योरिंग इट विद्प ऑफ अर बॉबी पिन एंड देन थोड़ा सा सिरम अपने पाम में लेके वॉर्मिंग ट्लाइंग दैट जस्ट फॉर देंथ ऑफ माई पोनी टेल ऐसा करने से फ्लाई अवेज नहीं निकलेंगे बालों से और बाल फिजी और फूफी नहीं हो जाएंगे मेरे एंड दिस इज द एंटायर हेयर स्टाइल गाइज अभी कंप्लीट नहीं है वी आर गोनाट डो दम मेकअप एंड देन कंप्लीट देयर स्टाइल एज वेल सो दिस इज वॉट माई स्किन लुक्स लाइक विदाउट एनी मेकअप आई एव ऑलरेडी डन माई स्किन केयर रूटीन इट इज सो इंपॉर्टेंट टू डू अर स्किन केर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप लोग देख सकते हो कि मेरे एक् मार्क्स और स्कॉस विजिबल है एंड आई वोट भी ट्राइंग टू हाइड इट ओके आई एम नॉ गंग फॉर अ फुल कवरेज लुक बट द लुक इज कॉन बी लॉन्ग लास्टिंग प्रीटी ईजी टू कैरी एज वेल सबसे पहले आई विल बी यूजिंग प्राइम वॉटर ऑल ओवर माई फेस टू प्राइम माई फे एंड आई गो नो पैड इट इंटू माई स्किन बट मैं उसके सूखने का पूरा वेट नहीं करूंगी आई गो नो मी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज अपलाइंग चीक टेंट तो आई अपला

साइड पे भी अप्लाई किया है अपनी नोज पे भी अप्लाई किया है एंड ऑल्सो अप्लाइड दैट ऑन माई चिन एंड इसके ऊपर हम अपना बेस अप्लाई करेंगे ना तो ऐसे निखर के आएगा ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन विद इन ग्लो कर रही है एंड यू विल सी दैट इन अ बेड सो गैट नो दैट आई एव पिगमेंटेशन अराउंड माई लिप्स सो इवन इफ इट्स एवरी डे मेकअप लुक आई लाइक टू कलर करेक्ट अराउंड माई लिप्स ताकि यू नो फाउंडेशन या कंसिलर ना लगे बिल्कुल भी मेरे स्किन पे सो so मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर अपने लिप्स के कॉर्नर पे ज्यादा अप्लाई किया है क्योंकि वहां पे पिगमेंटेशन ज्यादा है और अपने फिंगर्स की मदद से प्रोडक्ट को लिप्स के अराउंड अच्छे से ब्लेंड किया है और मैं वहां पे ना उसे सेट होने के लिए एक मिनट तक रखूंगी फॉर कंसिलर सॉ उसके बाद जहां जहां मुझे रेडनेस एक्नी मार्क्स दिख रहा है उसके ऊपर मैं इसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी एंड देन आई विल रिपीट द सेम स्टेप ऑन दी अदर साइड ऑफ माई फेस सो आई लाइक टू यूज अंसिलर दैट मैचेस टू माई स्किन टोन पहले जोलर जो है

को मूव नहीं करना चाहती हूँ सो अराउंड माई लिप्स आई स्टार्ट ब्लेंडिंग एंड देन मूव डाउन टू माई चीक्स माई जॉ लाइन एंड ऑल्सो माई नोस आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने forehead पे फोरहडर भी ज्यादा अप्लाई नहीं किया वो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा फोरहड जो है ना इट्स डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस सो इफ आई वुड हैव अपलाईड दिस कंसिलर ना वो एशी लगने लगता और फिर मुझे कॉन्टोर करना पड़ता आई आई डोंट लाइक लाइक टू गो फॉर एम डूइंग मेकअप लुक सो मैं चाहती हूँ कि नेचुरल कॉन्टोर जो है मेरा वो, वो दिखे सो so, ने देखा कि मैं ब्रश को चेंज नहीं कर रही हूँ आई जस्ट लाइक

I set my entire face using a compact powder which is oil absorbing because I have oily T zone area. I like powder and मैं दो different shade को mix करने वाली हूँ. So I'll be mixing sand and olive. These two are by Naiqa. इनका formula काफी ज़्यादा अच्छा है और long wear कर देता है आपकी ये makeup को. So setting under my eyes first and then my cheeks, my nose, around my nose जहाँ जहाँ मेरा skin बहुत जल्दी frequently oily हो जाता है वहाँ पे. After set करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि left side looks glowy and right side is all mad. I'll be setting the left side of my face off camera. moving on to eyes now i'll be using black kajal and tight lining my upper waterline or इनर कॉर्नर को मैं टाइट लाइन कर रही हूँ हल्का सा आप लोग देख सकते हो इट जस्ट बाद में पता चलेगा जब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी एक ऐसा काजल यूज करो आप लोग भी की जो लॉन्ग लास्टिंग है जिसका अच्छा है इस काजल का अच्छा है काफी आई टू यूज अ कलर कर्ल वॉटर प्रूफ मस्कारा सो पहले मैंने वॉन में एक्सेस मस्कारा रिमूव किया है एंड देन आई विल स्टार्ट अपलाइंग दी मस्कारा ऑन माई अपर लैशेज इस मस्कारे का फॉर्मुला काफी ज्यादा अच्छा है इसको निकालने में भी दिक्कत नहीं होती है जब आप इस मस्कारा को लोअर

so में फोकस ना सिर्फ टिप पे करती हूँ तो सामने -सामने हल्क छूट तो नहीं गया या ओवर फिल नहीं किया तो जस्ट लुक डाउन एंड चेक योर आईब्रोज आपको एक क्लीन लाइन दिखनी चाहिए जो की यहाँ पे दिख रही है ए नॉमल सेट मैं आईब्रोज इन अपर डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये अदरवाइज मेरे आईब्रोज ड्यू टू ग्रेविटी नीचे झुक जाते हैं बिल्कुल अच्छा लुक नहीं लगता है एंड देन आई एम गो इन एन एंगल टू स्टोक अप माई आई इन अफर डायरेक्शन बीच बीच में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि वहां पे बुशी है मेरे आई तो वहां ज्यादा प्रोडक्ट लगता है मुझे सो आफ्टर सेटिंग आई बी पाउडर ब्लश ऑन माई चीक्स ये जो पाउडर ब्लश का कलर है ना इट्स लाइक अ बेबी बारबी पिंक कलर सो ये समर्स पे काफी अच्छा लगता है इट जस्ट ब्राइटनेस योर एंटायर लुक एंड आई ऑलवेज लाइक टू लाइक लेयर माई ब्लश फॉर एवरी लुक्स जब पाउडर ब्लश हट जाएगा तो विद इन ग्लो तो टेंट से आएगा ही जो हम लोग ने अपलाई किया हुआ है फॉर लिप्स आई बी गोइंग फॉर अ ग्लॉसी पिंकी न्यूट लिप्स सबसे पहले आई बी आउटलाइनिंग लाइनिंग माई लिप्स यूजिंग लिप लाइनर दिस इज द शेड चेस्नर दिस इज बाई वेट एंड वाइल्ड फ्रॉम देर कलर आईकॉन कलेक्शन इसी लिप कलर की मदद से अपने लिप्स को फिल भी किया है स्पेशली ऑन दी आउटर कॉर्नर एंड देन मूविंग लिक्विड लिपस्टिकल ऑन दी सेंटर एंड विद देल्प ऑफ माई फिंगर आई विल ब्लैंड लिप लाइनर इन टू माई लिपस्टिक ताकि एक ओमरे इफेक्ट मुझे मिले उसके बाद जस्ट ऑन दी सेंटर थोड़ा सा और लिपस्टिक एड किया ताकि सेंटर पे डार्क लगे लिप्स और पिंक लगे and then i will be applying my topper that is my clear lip gloss this is by Cuffs and lashes so cuffs and lashes get a in and it's very stiff and i like a soft bond to apply lip gloss so jo lip gloss ka bottle kata mochigai uska then wand the and then i started applying the lip gloss on my lower lips first and then very carefully on my upper lips moving on to the next step that is to set my face i'll be using that prep and prime water all over my face just gonna make sure the powder product maine use here that is gonna blend in with each other and gonna blend in sync with my

से वेबी हो जाते हैं बिकॉज आई हैव वेबी हेयर एंड विदाउट आई कम्पलीटेड एंटायर मेकअप लुक दिस लुक इज लॉन्ग लास्टिंग वेरियबल इजी टू क्रिएट मैं सात से दस मिनट में ये वाला लुक क्रिएट कर सकती हूँ फोकस ऑफ दिस काइंड ऑफ लुक्स और मेकअप लुक इज टू एनहैंस द बेस्ट फीचर्स फॉर मी इट्स माई आईब्रोज माई आईज माई चीक्स एंड माई लिप्स एंड दैट इज वॉट आई डिड और एक और चीज अगर मुझे पता होता है कि मुझे मास्क यू you नो know, एक दो घंटे के लिए पहनना पड़ेगा ये कंपल्सरी है तो आई वोट बी वेयरिंग लिप ग्लॉस आई बी जस्ट वेरिंग दैट लिप कॉम्बो दैट आई शोड यू की फिर नॉट <laughs> मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है All right, so this was the video video for today. I really hope you enjoyed watching today's video and टिव हेल्पफुल एंड लर्न सम न्यू मेकअप एंड ऑल्सो हेयर and एंड हेयर and, hair and hairstyle tips from today's video. Honestly speaking, products मैंने वही वही यूज किया जो मैं पिछले एक साल से कुछ यूज कर रही हूँ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा प्रोडक्ट्स में बट मैंने कुछ नए मेकअप टिप्स आपको बताए हैं ट्राई करके जरूर उन्हें देखना ट्रस्ट मी दिस टिप्स चेंज मेकअप की फॉर श्योर ट्रस्ट मी गाइज से दिस मुझे खुले बाल काफी ज्यादा पसंद है अपने बट वो मैनेजेबल बिल्कुल ही नहीं है मेरे लिए स्पेशली ह्यूमिड वेर इवन बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रजी और पुफी हो जाते हैं यू you नो know? एंड विल्कुल भी अच्छे ही नहीं दिखते हैं सो टू कम्प्लीट दर लुक आई थिंक हेयर स्टाइल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दिस इज लाइक माई गो टू हेयर स्टाइल जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज कि उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड डू चेकआउट बर्ड्स एंड बेरीजार्शियन आर्गन ऑयल हेयर केयर रेंडी ब्रांड की कॉन्टेंट है थोड़ा सा हट की कॉन्टेंट ऑल्सो ऑन दिस चैनल और क्या बोलती हूँ मैं हाँ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई वीडियो बाई एवरी वन टेक केयर